हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये हमारे पास ड्रीम होगा, होंडा की ड्रीम होगा है 110 सीसी इंजन। रिवील करेंगे इसको हम, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि इंजन बनाने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो इंजन हमारा कम से कम 50 से 60 हज़ार किलोमीटर चले। तो समस्या ये आती है कि हमारे जो कस्टमर पर निर्भर करती है कि बाइक को कैसे चलाएं, किस तरीके से लोड रखें उस पर, उसके बारे में हम आज का पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो देख वीडियो को देखते चलें, तभी आपको जानकारी पूरी मिल पाएगी। तो पहले तो समस्या ये आती है कि इंजन खोलें और उसको अच्छे से अच्छे क्लीन करें, क्लीन करने के बाद उसको फिटिंग करें, और फिटिंग करने के बाद जो भी इंजन का काम करें, जब भी हमने वीडियो बनाया उस वीडियो में इसी तरीके से मैंने बताया कि जब भी इंजन का काम करें तो इंजन के अंदर जितने भी जेन्युइन पार्ट डालें, अच्छी कंपनी के डालें, जेन्युइन डालें, तो हमारा जो इंजन है बहुत ही अच्छा चलेगा। और क्या क्या सावधानियाँ कस्टमर को बरतनी चाहिए वो भी हम जानकारी देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे बाइक वाले भाई होते हैं, इंजन को बनवा लिया और उसको रवाना करते हुए उसको सीधा सीधा लोड रख देते हैं, भगा देते हैं, या लोड रख देते हैं, या कई प्रकार से चला देते हैं, तो हमारी बाइक धुआं मार जाती है। तो धुआं मारने का कारण यही होता है कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहली बात तो देख सकते हैं कि होंडा की जितनी भी बाइकें हैं एवरेज के मामले में बहुत ही गजब हैं, एकदम एवरेज भी है और पिकअप भी है और अच्छी बाइक है। ये हमारा सिलेंडर किट है। अब ये गर्मी की सीज़न चल रही है, इस समय 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर है। तो जब भी गर्मी में इंजन का काम करवाएं तो लाइनर बोर करवाएं। आप देख सकते हैं लाइनर बोर है, लाइनर बोर करवाएंगे तो बाइक हमारी हीट नहीं होगी। और होंडा वाली कंपनी वाले हैं तो उन्होंने ये सिलेंडर किट है एल्युमिनियम की दे दी है, और पहले भी दे रखी है। तो एल्युमिनियम का मतलब ये होता है जितनी जल्दी ये एल्युमिनियम गर्म होती है और उतनी जल्दी ये ठंडी हो जाती है। तो एल्युमिनियम में एक खासियत होती है, और ये लाइनें देख रहे हैं आप, कोई भी बाइक हो, जिस बाइक में ये लाइनें कम गैप में होंगी वो जल्दी इंजन को ठंडा करेगी। क्यों करेगी? जितनी पतली लाइनें होती हैं उतनी हवा जो है ठंडी हो जाती है, और जितनी मोटी होती हैं लाइनें उतनी गर्म हवा जाती है। तो अच्छी पहली बात तो ये थी। और अगर सावधानी से इंजन बनाने के बाद अगर सावधानी से 500 किलोमीटर चला लेते हैं तो कम से कम 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार किलोमीटर कोई भी बाइक हो, किसी भी बाइक का इंजन हो, चल जाता है। लेकिन सावधानियां बहुत बरतनी पड़ती हैं। सावधानियां क्या क्या होती हैं, सावधानियों के बारे में बताएंगे कि पहले तो हमें जब इंजन रिबिल्ड करें, इंजन रिबिल्ड करने के बाद साइलेंसर जो हमारा इंजन ऑयल चलते 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 साइलेंसर चोक हो जाता है, और हमारे मैकेनिक ऐसे बांध देते हैं कि भाई ले जाओ और ये धुआँ गर्म होकर धुआँ बना के निकाल देगी। लेकिन ऐसा ना करें, इंजन बनाएं, इंजन बनाने के बाद साइलेंसर को क्लीन करें। साइलेंसर क्लीन करने का हमारा वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं, और नहीं अगर देखा है तो कास्टिक सोडा आता है, कास्टिक सोडा डालकर गर्म पानी डाल के पहले कास्टिक सोडा डाल दें, फिर गर्म पानी साइलेंसर में डाल दें और आधे घंटे तक रख दें उसको, और साइलेंसर क्लीन हो जाएगा 100%। देख सकते हैं आप, उसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये रही हमारी बात। और जो हमारे कस्टमर हैं, कस्टमर के लिए ये है हमारा कहना कि पहली बात तो कम से कम 500 किलोमीटर बाइक को आराम से चलाएं और 500 किलोमीटर पर सर्विस कराएं। आप 500 किलोमीटर पर सर्विस क्यों कराएं उसका भी मतलब बताएंगे हम आपको। जो भी जितनी कटन होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारी जाली हो गई, फिल्टर जाली,
ठीक। तो इसमें जितनी भी कटन होती है पूरे इंजन के अंदर की, पार्ट नए पड़ते हैं तो कटन आ जाती है, तो पहली सर्विस में इसको क्लीन करवा दें जाली को, और एकदम बढ़िया से एकदम स्मूथ चलेगी। और गर्मियों में हीटिंग प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा आ रही है, ये सिक्स बाइकें हैं अगर टेम्परेचर 47-48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो 47-48 डिग्री टेम्परेचर में बाइक हमारी हीट होके बंद हो जाती है, और जो उसके अंदर फ्यूल पंप होता है फ्यूल पंप वर्क करना बंद कर देता है। तो अभी तो गर्मी की सीज़न है, गर्मी की सीज़न में जब भी इंजन रिवेल्ड करें तो अगर ज़्यादा अगर हीट हो रही है बाइक, तो उसको गर्म पानी में पिस्टन को और सिलेंडर को, ये सिलेंडर को दोनों को खौला सकते हैं, खौला कर और इसको इंजन में रिबिल्ड कर सकते हैं, तो भी हमारा इंजन बहुत अच्छा चलेगा। और इंजन बनाने के बाद कई छोटी छोटे बातें होती हैं जो उनको ध्यान में रखते हुए और सही से चलाने की जो प्रक्रिया होती है, सही से अगर चलाएंगे तो अच्छी चलेगी बाइक। 500 किलोमीटर में वही होता है कि बस आराम से चलाएं उसको, 30-40, 40-50 की स्पीड में चलाएं, ज़्यादा लंबी खींचें ना, ज़्यादा लोड ना रखें, और टाइम से सर्विस कराएं। ये छोटी छोटी कमियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप मेंटेनेंस से चला सकते हैं। अगर ये छोटा सा वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।